Perfect.
बाबा संजू बाबा के ऊपर से कि संजू बाबा मतलब इस फिल्म में कुछ डॉन बिन का कैरेक्टर कर रहे हैं और उनके कुछ मतलब फर्स्ट हाफ में कुछ है, मुझे इतना कुछ खास मालूम नहीं। हाउ डू फाइंड वर्किंग विद मनीषा जी? शी इज अ स्ट्रांग चल रही है, शी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मन पिक्चर मैंने साथ में किए उनके, बहुत अच्छा। अग्निसाक्षी का इकरार करना मुश्किल होगा ना, महाराजा की, बहुत सी पिक्चर की, और मुझे उनका नेचर बहुत पसंद है और वो मुझे अच्छी भी लगती है। शी इज़ वेरी गुड। दो गाने आइटम जो मैं कर रहा हूँ, एक संजू बाबा का है नाइट सॉन्ग, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हिट गाना, और ये गाना, दोनों गाने माइंड बोगलिंग है। अगर आपके सॉन्ग जो कोरियोग्राफ जो आप करते हैं, अगर आपको एक सवाल किया जाए कि उसकी स्पेशलिटी क्या होती है आपकी कोरियोग्राफी में, सॉन्ग कोरियोग्राफी में? मेरे कोरियोग्राफी की स्पेशलिटी ये है कि मैं मूवमेंट्स कोशिश करता हूँ कि नए दूँ, क्योंकि एक डांस मास्टर को किसी ग्रीमिक या किसी विजुअल या किसी
फटाके फोड़ने से या कुछ और करने से या कलर यूनिट से या कुछ आड़ा टेढ़ा करने से या टेकिंग करने से पहचाना नहीं जाता। डांस मास्टर पहचाना जाता है मूवमेंट से। तो मेरी कोरियोग्राफी में स्पेशलिटी ये है कि मूवमेंट्स कोशिश करता हूँ कि नए नए लोगों को दूँ। मूवमेंट्स कैची होंगे तो मेरा गाना कैची होगा। थोड़ा भी इशू से थोड़े हट के एक दो सवाल करना चाह रहा हूँ। ये आपको ख्याल कब आया कि आप डांस कोरियोग्राफी कर सकते? ख्याल तो बहुत पुराना है, बात अब की नहीं है। ख्याल आज से 17 साल पुराना है, बात अभी की है। मैं जब 10 साल का था तब मेरे डैडी जो इस इंडस्ट्री में थे वो एक डांसर थे, और जो मेरे डैडी करते थे कृष्णा गोपी करके, साउथ से आए थे। उनकी बहुत तमन्ना थी कि फिल्म में कोरियोग्राफी करें, और वो सक्सेस नहीं हो पाए। और जब मैं 10 साल का था, जब मैं 8 साल की बातें समझता था, 8 साल से 10 साल तक, तो मुझे एक ही बात डैडी बोलते थे कि मुझे डांस मास्टर बनना है, मुझे डांस मास्टर। और वो गुजरे और मैं कुछ 12 साल तक पढ़ा, और 13 साल से मैंने मेरा स्ट्रगल चालू किया इंडिपेंडेंट के लिए। इंडिपेंडेंट के लिए मतलब ऐसा ही नहीं कि वो 13 साल से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फर्स्ट जूनियर आर्टिस्ट आया, फिर डांसर बना, फिर कमल मासी एक बार असिस्टेंट बना, फिर कोरियोग्राफर बना। मतलब मैं इंडस्ट्री में 13 साल की उम्र से, मीन्स 85 से मैं इंडस्ट्री में हूँ, 84 से। 87 में मैं डांसर बना और 91 में इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया, और मुझे सक्सेस मिले 96 में। तो वो जो मैं 10 साल की उम्र से जो मेरा डैडी का ख्वाब है वो मुझे पूरा करने में 17 साल लग गए। 17 साल के बाद ये सवाल आपने पूछा, इसलिए बात अभी की है, और मैंने ये बात बहुत पुरानी है। आपने इतना स्ट्रगल किया इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कैसा फील है? पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन दिखता है, जो स्ट्रगल में खो दिया है मैंने। मेरी फैमिली देखता हूँ जो मैंने स्ट्रगल में खो दी। मैंने बहुत सी चीजें जो खो दी मैंने। आगे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत से लोग तारीफ करने वाले मिलते हैं, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता, सब यादें ही यादें हैं। इंडस्ट्री में गणेश आचार्य को मुकाम कब मिला, पहचान कब मिली? एक फिल्म थी कुली नंबर 1, उससे पहले मैंने बहुत सी पिक्चरें की लेकिन जाना नहीं जा। 95 में कुली नंबर 1 फिल्म मुझे गोविंदा ने डेविड धवन को बोल के दिला, जिसमें गाना था गोरिया चुराना मेरा जी। वो गाना मैंने 95 में किया और 95 में फिल्म हिट हुई, सुपर हिट हुई। वहाँ से लोग जानने लगे कि गणेश आचार्य करके डांस मास्टर। फिर 96 में घातक गाना, अग्निसाक्षी, साजन चले ससुराल। डांसिंग सेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे डांस नहीं आता लेकिन मैं आई कैन कोरियोग्राफ द थिंग्स, ऐसा कुछ होता है? डांस कोरियोग्राफी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि मैं दिमाग से डांस नहीं करता है। डांस का पता मैं दिल से डांस कोरियोग्राफी करता हूँ। डांस करने में इतना मोटा होने से हार्ट पे फर्क गिरता है, ये पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये इस चीज़ का कभी क्रिटिसिज्म मिला? कितना मोटा होने के बाद डांस कैसे करता हूँ? ये तो कोरियोग्राफर की खासियत है, पहचान है। सब कोरियोग्राफर मोटे हैं। फिलहाल अभी मैं थोड़ा कम हो चुका हूँ, आई एम लॉस्ट माई 39 kg।